से आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था प्रीवियस वाली ट्रिक के अंदर, जो हमारी ट्रिक नंबर 5 थी लॉगरिथमिक वाली, उसके अंदर कहा था कि मैं नेक्स्ट ट्रिक के अंदर आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन की ट्रिक बताऊंगा, उसी के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन की ट्रिक के लिए। तो बच्चों, अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस 5 ट्रिक्स नहीं देखी है तो प्लीज गो टू द 5 ट्रिक्स, पहले उन 5 ट्रिक्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि इस ट्रिक के अंदर आपको उतना ही मजा आए, और अपने जहां भी आप लोग कंटेंट बनाते हो वहां पर अपने सारी ट्रिक्स को बहुत अच्छे से मेंशन कर लेना, ठीक है। मेथड तो आना ही चाहिए बोर्ड्स वालों के लिए, और जेईज और एनडीएज और बिटसैट या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वहां डायरेक्टली इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे लगती है ये ट्रिक। फॉर्मेट कैसे होती है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक एक्सप्रेशन होता है जो एक्स और वाई दोनों में होता है, से ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू एक्स वाई प्लस साइन वाई माइनस का 100 इक्वल टू कितना 0, इस तरह से हमारा फंक्शन होगा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन में कितना एफ डैश ऑफ वाई करके, मतलब ऊपर आपको एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और नीचे आपको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर जब एक्स में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, और नीचे जब y में डिफरेंशिएट करोगे तो x हमारा कांस्टेंट होगा, इसका याद रखना बस आराम है। देखिएगा ध्यान से, मुझे इस क्वेश्चन का dy by क्या निकालना है, dx निकालना है, तो dy by dx कैसे निकालूंगा, x क्यूब इस पूरे को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस साइन लगा देना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, y क्यूब का कितना 0, इसका करना है तो माइनस का 2 सॉरी प्लस का ये 2y को कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 क्योंकि y को कांस्टेंट मानना है, साइन y का कितना 0 और 100 का भी कितना 0 अपॉन नीचे y के रेस्पेक्ट करना है, x क्यूब का कितना 0, y क्यूब का कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ पर x को कांस्टेंट रखना है, देखो x को कांस्टेंट तो 2x कांस्टेंट है, y का कितना 1, साइन y का कितना प्लस का कितना cos y और 100 का कितना अगेन 0, आंसर आप लोगों के सामने 3x स्क्वायर प्लस का कितना 2y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस का कितना 2x प्लस का कितना cos y, गॉट इट, टेक अ लुक, बहुत ध्यान से इसको देखो, आई होप मजा आया होगा आप लोगों को, बता दिया करो मजा आता है जब, कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ मजा आ रहा है, ठीक है। जल्दी देखो सिमिलरली अगले वाले को देखते हैं, इसका dy by dx निकालना है, dy by dx ऊपर माइनस साइन को लगाई दो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स वाई का पहले तो cos एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो इन दोनों का करूंगा तो y तो कांस्टेंट है, तो y तो कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1, माइनस x तो कांस्टेंट है तो x सॉरी x का तो करना है, y तो कांस्टेंट है तो y क्यूब एज इट इज आएगा, देखो y कांस्टेंट, x का कितना 1 और y का कितना हो गया 0, टोटल अपॉन यहाँ पर कितना किसके रेस्पेक्ट करना है y के रेस्पेक्ट, तो साइन y का कितना cos एक्स वाई, और x को कांस्टेंट रखना है इसलिए x एज इट इज, y का कितना हो गया 1, माइनस का x को कांस्टेंट रखना है एज इट इज, y क्यूब का कितना 3y स्क्वायर और प्लस का कितना 5, ठीक है लोग बहुत ध्यान से इसको देख लो, बस इसको आंसर फॉर्मेट में लिखना है, माइनस का y cos xy माइनस का कितना y क्यूब और अपॉन x cos xy माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस का कितना 5, और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, बहुत इजी, ध्यान से इस चीज को देख लो, ये हमारे पास किसकी ट्रिक है, इम्प्लिसिट फंक्शन की ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का इस पैटर्न पे आप लोग कर सकते हो और आंसर को टैली भी कर सकते हो। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले f ऑफ x कॉमा y में मेरा एक्सप्रेशन होगा, उसको dy by dx निकालना है, ऊपर माइनस साइन लगा करके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और ऊपर y कांस्टेंट रखना है, नीचे क्या रखना है x कांस्टेंट रखना है, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको देख लो, फिर अपन मिलते हैं बहुत जल्दी नई वाली ट्रिक के साथ, ट्रिक नंबर 7 के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिएगा, ताकि वो बिगेस्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आप लोगों से हो सके, जहां पर अपन फॉर्मेट देखते हैं जैसे डी वाई इक्वल्स टू रूट एक्स एक्स माइनस थ्री की पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3/2, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उनको कितना ईजीली किया जाता है वो मैं आपको अगली ट्रिक में बताऊंगा, तो ध्यान से गो टू दिस वन फर्स्ट, थैंक यू।